पेंट प्रोग्राम में न्यू वेपन सेव कैसे किया जाता है उसके बाद, नोटपैड प्रोग्राम में न्यू वेपन सेव कैसे किया जाता है उसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए हम कोई फोल्डर बनाए हुए हैं और उस फोल्डर का रिनेम कैसे किया जाता है उसके बाद, सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि माउस पॉइंटर को कैसे चेंज करना होता है। बस दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि पेंट प्रोग्राम में न्यू ओपन शेप क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पेंट प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जाता है, वो भी अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में आपको पेंट सर्च कर लेना होगा। जैसे आप पेंट सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर पेंट प्रोग्राम सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेंट प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पेंट प्रोग्राम को ओपन हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पेंट प्रोग्राम का जो लेआउट है, यहाँ पे जो ये बड़ा सा वाइट एरिया आप दिख रहा है, ये पेंट प्रोग्राम का पेज कहलाता है दोस्तों, और ये इसके सारे फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे न्यू ओपन शेप को सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यू ओपन शेप कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप फाइल्स आपको देखने को मिल जा रहा है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू ओपन शेप ऊपर से थर्ड नंबर तक आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यू का क्या कार्य होता है। न्यू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन होता है। न्यू का मतलब होता है दोस्तों नया। जैसे कि ये आपको यहाँ पे पेज दिख रहा है, आप यहाँ पे पेज पे कुछ भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। चलिए हम आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया है, उसको यहाँ पे हम इसमें कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक पेज था और इस पर हमने कुछ ड्रॉ कर लिया है। अब हमको इस पेज को डिलीट करना है और इसके स्थान पर हमको नया पेज को लाना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम फाइल पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको ये परमिशन मांगेगा कि हम इसको सेव करें या फिर डोंट सेव करें। तो हमको यहाँ पे अगर आपको सेव करना होगा तो सेव कर लीजिएगा, नहीं तो आप डोंट सेव के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो ये आपका नया पेज आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि न्यू का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों, उसके बाद हम सीखेंगे सेव क्या होता है। इसके लिए दोस्तों, आपको मान लीजिए आपका पेज है, आप इस पर कोई सा भी फिगर जो है उसको ड्रॉ करेंगे, कोई सा भी आप मैटर बनाएंगे या लिखेंगे, जो कुछ भी आप पेंट पे करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम पहले तो आपको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन पे जाना होगा, सेव क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपसे पूछेगा कि आपको इसका क्या नाम रखना है, इस फाइल का आप क्या नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इस फाइल का नाम अवध ग्लो लिख देते हैं, अवध ग्लो। उसके बाद दोस्तों, अवध ग्लो यहाँ से पहले से ही सेव है तो अवध ग्लो हम यहाँ पे वन कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप इसका फॉर्मेट पूछेगा तो यहाँ पे आप JPEG कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसका पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन में आपको इस फाइल को रखना है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेव कर दूँगा तो हमारा जो फाइल था वो हमारे डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम काट के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम दोबारा से पेंट प्रोग्राम को ओपन करेंगे। पेंट प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब दोस्तों, यहाँ पे हमारा ओपन का ऑप्शन का जो काम है वो हम आपको बताएंगे। अब उस फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए फिर से हम फाइल पे आएंगे, उसके बाद ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमको उस फाइल का नाम पूछेगा कि हम उस फाइल को किस नाम से हमने सेव किया था। तो यहाँ पे हम अवध ग्लो डालेंगे, AVADH। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जैसे AVADH लिखेंगे तो अवध ग्लो वन के नाम से जो आपका फाइल सेव हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका जो मैटर था, जिसको आपने सेव किया था, जिस फाइल को, आपके पेज पे आ जाएगा। तो दोस्तों, तो आई होप आप सभी लोगों ने न्यू ओपन शेप को अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने सीखा कि पेंट प्रोग्राम में न्यू ओपन शेप कैसे किया जाता है, तो दोस्तों उसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नोटपैड प्रोग्राम में न्यू ओपन शेप क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जो प्रोसीजर हमने
पेंट प्रोग्राम में किया था वही सेम प्रोसीजर हम नोटपैड प्रोग्राम में भी करेंगे। वही सेम चीज़ होता है दोस्तों, लेकिन जो पेंट प्रोग्राम का इंटरफेस होता है उसी से थोड़ा हटके होता है नोटपैड प्रोग्राम का। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जानते हैं कि नोटपैड प्रोग्राम को अपने एक पीसी के अंदर हम कैसे ओपन करते हैं। इसके लिए भी दोस्तों हम अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेंगे नोटपैड। नोटपैड टाइप करते ही दोस्तों आपको ऊपर नोटपैड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने नोटपैड का जो इंटरफेस होता है वो आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। ये आपका पेज है नीचे, ये इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जो नोटपैड प्रोग्राम में आते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि नोटपैड प्रोग्राम में न्यू का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों जो सेम चीज़ आपको पेंट प्रोग्राम में बताया गया है वही सेम चीज़ इसमें भी होता है। न्यू का मतलब होता है नया पेज। इसमें भी हम मान लीजिए अगर कोई सा भी वर्ड टाइप करते हैं, ये अधिकतर यूज़ आपको दोस्तों टाइपिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग में भी थोड़ा सा यूज़ होता है इसका, HTML में। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई सा भी वर्ड टाइप कर दिया है, अब हमको इसमें न्यू पेज नया पेज लेना है। इसको हम मान लीजिए इसको हमको डिलीट करना है, तो डिलीट ना करते हुए इसको हम नया पेज लेना चाहते हैं तो हम नया पेज ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+N होता है, या तो शॉर्टकट की द्वारा करेंगे या तो फिर यहाँ पे फाइल पे आएंगे, ऊपर आपको न्यू देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे न्यू पे करेंगे। उसके बाद सेम जैसे पेंट प्रोग्राम में पूछ रहा था इसको सेव करना है या फिर डोंट सेव करना है, तो अगर आपका मन हो तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो डोंट सेव करके आप स्किप कर दीजिए। अब दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि सेव क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं जिसको हमको पता रहे कि हमने इस फाइल में हमको क्या सेव किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे जाना है जिसका शॉर्टकट Ctrl+S होता है। अब यहाँ पे सेम चीज़ इसका भी फाइल नेम आपको पूछेगा, तो फाइल नेम हम इसका XYZ डाल देते हैं। उसके बाद जो इसका सेव एज टाइप होता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt होता है दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट आता है इसका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है उसको भी हम डेस्कटॉप कर दे रहे हैं, बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको सेव के ऑप्शन पे करेंगे तो ये हमारा फाइल जो है सेव हो जाएगा। इसको हम काट के चेक कर लेते हैं हमारा फाइल सेव हुआ था कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों XYZ के नाम से आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों हमको दोबारा से इसको ओपन करने के लिए फिर से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नोटपैड यहाँ पे टाइप कर लेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे, अब हम दोस्तों इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे उसका जो फाइल नेम हमने डाला था XYZ डालेंगे तो नीचे यहाँ पे XYZ.txt मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, यही सेम चीज़ दोस्तों हमने सेव किया था वही फाइल हमारा ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हमने पिछली बार पेंट प्रोग्राम में किया था वही सेम चीज़ भी इसमें होगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा टॉपिक है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सा भी ऐप हो या फिर फोल्डर हो, उसका हमको रीनेम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम है इसका हम रीनेम कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम ऐप के ऊपर राइट क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे से सेकंड नंबर पे आपको रीनेम का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद दोस्तों जो भी नाम अपना दोबारा लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम अभी तक तो इंस्टाग्राम ही था लेकिन अब मैं इसका नाम इंस्टाग्राम से चेंज कर दे रहा हूँ अवध ग्लो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अवध ग्लो टाइप कर दूँगा, उसके बाद जैसे इंटर करूँगा दोस्तों इंस्टाग्राम से हट करके ये अवध ग्लो के नाम से आ जाएगा, ये अवध ग्लो के नाम से शो होने लगेगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं कि हम फोल्डर का रीनेम कैसे किया जाता है, यही हमारा फोल्डर रीनेम हो गया। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर माउस का जो पॉइंटर है उसको हम कैसे चेंज करें। अभी आप इस माउस पॉइंटर को इस तरह से देख रहे हैं, अभी कुछ समय बाद जब हम आपको बता देंगे कि माउस पॉइंटर को कैसे चेंज किया जाता है, तो दोस्तों ये जो माउस पॉइंटर ये चेंज हो जाएगा। माउस पॉइंटर को चेंज करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे कंट्रोल पैनल सर्च करते दोस्तों आपको कंट्रोल पैनल के नाम से एक सेटिंग आएगा जो सबसे पहले आपको ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कि माउस कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आपको माउस लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको माउस का जो प्रॉपर्टीज़ है ये आपके सामने एक बॉक्स की तरह ओपन होकर आ जाएगा।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे पॉइंटर के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे किनारे पे आपको दिख जाएगा ब्राउज, ब्राउज के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अब जो भी अपना माउस पॉइंटर रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपन करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पहले अप्लाई करना है, उसके बाद ओके करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो पहले कैसे था और अब कैसे हो गया है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, आपके ज़रा सा भी यूज़फुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।